इधर का व्यू देखें आप, और ये लिखा हुआ है आई लव मुक्तेश्वर। सारा दिखाता हूँ, ये देखें, वाह यार। पे देखें फोटोशूट चल रहे हैं, और इधर देखो अभी भी देख सकते हैं आप पीछे का खूबसूरत। ट्रैक करने का भी अपना ही मजा है यार, यहाँ से भी देखो मुक्तेश्वर चोली की जाली से सनसेट का टाइम देखें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारा दिखाने वाला हूँ, और मैं आया था जैसे आप लोगों को मैंने अभी भालूगढ़ वाटरफॉल का जो ब्लॉग बनाकर दिखाया, अब मैं पहुँच चुका हूँ मुक्तेश्वर चोली की जाली। और चोली की जाली कितनी खूबसूरत है और कितना प्यारा लोकेशन है ये आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता हूँ। उसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार जो है सनसेट दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली, क्योंकि इस टाइम इतना बढ़िया शानदार जो है सनसेट नज़र आ रहा है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं चोली की जाली तरफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और आप लोगों को बहुत ही शानदार मैं आपको सनसेट दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ से, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, सूरज जो है डूबता जा रहा है। तो नीचे से हम जाएंगे लेफ्ट साइड में होते हुए, यहाँ पे कुछ खाना पीना है, तो खाने पीने का काफ़ी अच्छे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट बने हुए, राजमा चावल कड़ी चावल। दादी क्या हाल है? ओके ओके, तो जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाते हैं यार, बहुत ही खूबसूरत व्यू यार अभी का, क्योंकि सनसेट बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। रोड से क्या है 1200 मीटर आप लोगों को वॉक करना है, ट्रैक करते हुए जाना है आपको, और रोड इस तरीके की है, आराम से नॉर्मल रोड है, ऐसा कुछ नहीं है चढ़ाई बढ़ाई है, पत्थर वत्थर है। देखो सामने वो हो गया, अरे हल्का हल्का सा सनसेट नज़र, तो और भी नज़दीक से दिखाते हैं आपको। और पहले ये रैली नहीं थी, अब जो सपोर्ट की नहीं काफ़ी अच्छी रैली बना दी गई है, मतलब काफ़ी डेवलप होता जा रही है अभी। और देखो अभी यहाँ से कितना प्यारा सनसेट नज़र आ रहा है ना, तो अभी नज़दीक लेके चलता हूँ आपको, और चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा अभी। हाँ ट्रैक करने का भी अपना ही मज़ा है यार, यहाँ से भी देखो जितने भी नज़दीक हम जाते जा रहे हैं ना उतना ही प्यारा सनसेट हमें नज़र आ रहा है। यार दोस्तों जो भी नए हुआ करे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ये देखो है ना कितना प्यारा व्यू है यार, शाम के कितने बज रहे हैं आपको दिखाते हैं। छः बज के 46 मिनट, सॉरी 5:46 और मुक्तेश्वर चोली की जाली से सनसेट का टाइम देखें आप, है ना। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं क्योंकि हिमालय बहुत शानदार यहाँ से पूरा नज़र आता है, और इस टाइम आप आ जाएं शाम के टाइम आपका पैसा वसूल हो जाएगा भाई। सनसेट इतना प्यारा आता है ना नज़र कि आप लोग बोलेंगे यार पैसे का तो पता ही नहीं चला, इतना प्यारा खूबसूरत व्यू देखने नहीं मिल गया। पहले लगाते थे छोटे छोटे से यहाँ पे इस तरीके से, ये देख लो ना, तो सभी लोग जो हैं जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत देर हो गई यार। ये छोटा सा रेस्टोरेंट खुला हुआ है, यहाँ पर आके मैगी अपना खाना चाहें तो मैगी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी आपको टूरिस्ट नज़र आएंगे क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम होता है घूमने का, सनसेट पूरा नज़र आता खूबसूरत सा। और आपको ऊपर से दिखाएंगे चढ़ के खूबसूरत सा प्यारा सा नज़ारा है, बच्चा देखो छोटा सा। तो फाइनली गाइस चोली की जाली पहुंच चुके हैं, और यहाँ से खड़े होके खूबसूरत सा आपको व्यू दिखाते हैं यार। अबे यार शदाब खाने क्या हाल है भाई? बस बढ़िया, और क्या हो रहा है, मजा आ रहा है?
सनसेट मिल गया, मिल गया। तो ये देखें गाइस कितना प्यारा सामने का नजारा है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी और हम बैठे हैं इतने नोकीले पत्थर पर। अभी वहां से भी आपको पूरा प्यारा सा खूबसूरत व्यू दिखाएंगे और यहाँ पे दादा बैठे हैं। दादा क्या हाल है? किधर से? कोलकाता से? कोलकाता से, वेरी गुड। दादा इस बार बंगाली दादा नजर नहीं आ रहा ज्यादा, तो कब तक छुट्टी पड़ेगा उधर? उसके बाद आएगा ना। तो मजा आ गया व्यू आपको देखने में। ये गाइस देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यार, बस मन कर रहा है यहाँ बैठे रहो और आप लोगों को दिखाते रहो कि कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है यार अभी का। सूरज डूब गया, अगर सूरज नहीं डूबता ना तो और भी खूबसूरत नजर आता। और यहाँ से मैं आपको चारों तरफ का पूरा घुमा के दिखाते हैं और इसी के साथ चंदा मामा भी देख सकते हैं आप। ये वाह यार, और देख सकते हैं काफी अच्छी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, पर ऐसा लग नहीं रहा कि ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ही शानदार। क्योंकि व्यू जो देखने के नहीं मिलता ना तो भाई साहब ठंड का भी पता नहीं चलता है। तो अभी आगे की साइड लेके चलते हैं आपको जहाँ पे लिखा हुआ आई लव मुक्तेश्वर, वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। और दादा देखो किस तरीके से पोज दे रहे हैं अपना, दादा संभल के पीछे नहीं जाने का। हाँ तो ये हमारे भाई हैं, हमारे स्टाफ के जो हमारे साथ काम करते हैं। तो अभी चलते हैं आपको आगे की तरफ लेके। गुरुवारों को देखो यार कितना मजा ले रहे हैं यार, इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, क्यों ना मजा लिया जाए यार। ये देखें, वाह यार। तो जब मैं पहले आता था ना तो मैं वीडियो शूट नहीं करता था, ब्लॉग नहीं कर बनाता था, और अब देख सकते हैं यहाँ पे और हर तरफ आपको जो है फोटोग्राफी करते हुए टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। इधर भी देखें ये, और भैया बहुत ही मजे से जो है पोज ले रहे हैं सामने का। ओहो क्या बात है भाई। गाइस इधर का व्यू देखें आप, और ये लिखा हुआ है आई लव मुक्तेश्वर। और यहाँ से मैं आपको पीछे का कुछ इस तरह से खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखें वाह यार, और वो सामने हिमालय व्यू नज़र आता है पर अभी नहीं आ रहा, उधर साइड में थोड़ा फॉग लगाना है तो इसलिए हिमालय नज़र नहीं आ रहा। पर बादल देखो यार कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा अच्छा यहाँ, और इधर भी देख सकते हैं, और इधर थोड़ा सॉन्ग बज रहा है, नज़दीक जाना बेकार है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और यहाँ पे देखो यार कितना आनंद ले रहे हैं, कितना मज़ा ले रहे हैं यार, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें ना आप, वाह यार कितना मस्त मौसम है यार। ये देखो, और मैं थोड़ा सा नज़दीक से चलता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा यार सॉन्ग बज रहा है ना तो वहाँ पे जाना सही नहीं पड़ेगा। तो अभी उस थोड़ा सा नीचे और लेके चलता हूँ आपको, और इस तरह के पत्थर हैं, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक लेके चलता हूँ। देखें फोटो शूट चल रहे हैं, और इधर देखो हर तरफ देखेंगे क्योंकि शाम का टाइम है, अंधेरा होता जा रहा है, और पोस इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं ना। वहाँ से लेके वहाँ तक टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। वो चंदा मामा भी देखो, वो नीचे खाई देखो यार कितनी खतरनाक खाई, वाह यार। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और देखो पत्थरों के पास कैसे बैठे हुए, वाह ब्यूटीफुल यार दोस्तों। ये इधर साइड देखें, चलते हैं दोस्तों अपनी गाड़ी की तरफ क्योंकि हल्के हल्के अंधेरा होने लगा है और सनसेट जो है डूब चुके हैं देखें। और यहाँ देखो यार कैसे कैसे लोग बार पोस ले रहे हैं पत्थरों पे चढ़ के यार, इधर साइड में देखो और उधर भी देखो ये, और हल्का हल्का सा सनसेट अभी भी देख सकते हैं आप पीछे का खूबसूरत। क्या हाल है? बढ़िया यार, यहाँ देखो यार कितना प्यारा सनसाइड है यार, वो है वो है।
गाइस अपना ब्लॉग जो है मुक्तेश्वर चोली के जाली पे पूरा कंप्लीट हो चुका है और इतना प्यारा इतना खूबसूरत जो है व्यू देखने मिला, इतने अच्छे टाइम पे पहुंचा ना कि सनसाइड देखने के लिए मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था तो आप लोगों को सूरज डूबता हुआ दिखा था, पर सूरज जो है थोड़ा सा मुझे देर हो गई और सूरज डूब गया, पर इतना खूबसूरत जो नज़ारा देखने नहीं मिला ना, मज़ा आ गया। अगर इसी तरीके से आप लोगों को बढ़िया बढ़िया लोकेशन देखनी है ना, तो जो भी मेरे चैनल पर नए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना कि भाई नैनीताल के आसपास की जितनी भी लोकेशन देखनी है तो इस जाके चैनल पे आप लोग देख सकते हैं और नैनीताल घूमने आ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे साथ घूमना है तो मेरे साथ भी घूम सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए जाइए इंस्टाग्राम पर शादाब नैनीताल सर्च मारिए, मेरी आईडी को फॉलो करिए, कॉन्टैक्ट नंबर मांगिए, तुरंत आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उतने प्यारे प्यारे खूबसूरत नज़ारे दिखाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं अपनी एंड।